हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे किचन, ब्यूटीफुल सा किचन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 11 नंबर का क्रोशिया, 10 सीजर लगेगा, चेन, टू टाइप्स ऑफ थ्रेड, सिंगल भी ले सकते हैं, सिंगल कलर भी ले सकते हैं, कॉटन थ्रेड चलेगा, वूलन थ्रेड चलेगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैजिक सर्कल में थ्री चेन बनाएंगे, तीन, एंड देन फिर से दो चेन बनाएंगे, टोटल फाइव चेन, देन डबल क्रोशिया, देन फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, देन टू चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे टू, ये हमें टोटल 16 बनाने हैं। फिर से टू चेन बनाएंगे, देन टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, देन टू चेन बनाएंगे फिर से, एंड 16, टोटल हम 16 बनाएंगे। ये चेन के साथ हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बाद में इसके साथ इसे जोड़ेंगे। 2, 4, 6, 8 और 8 और बनाएंगे, सॉरी 7। टू चेन बनाएंगे, देन डबल क्रोशिया टू, टू चेन डबल क्रोशिया टू, टू चेन डबल क्रोशिया टू, दो चार छः आठ दस बारह चौदह, इसके साथ हम जब दो चेन बनाएंगे तो एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट में, क्योंकि हम चेन को डबल क्रोशिया मानेंगे। ओके, पीछे का धागा जो है ये मैजिक सर्कल का हमें टाइट करना है, जिससे ये इसके पास आ जाए। इसकी थ्री चेन में से थर्ड चेन में हम इसको बंद करेंगे स्लिप स्टिच से। एक सर्कल कंप्लीट, देन इस गैप में हमें तीन डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया लेना है, तीन डबल क्रोशिया टू चेन और तीन डबल क्रोशिया लेना है। तो हमें इस गैप में आने के लिए इसमें स्लिप स्टिच एक बार और लेना पड़ेगा, जिससे कि हम इस मिडिल में आ जाए, है ना। फिर हम तीन चेन बनाएंगे, इसे हम डबल क्रोशिया मानेंगे, फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, ओके, देन दो चेन बनाएंगे, फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम ये जो तीन चेन बनाई है इसे हम डबल क्रोशिया मेंशन कर रहे हैं, तो इस हिसाब से 1, 2, 3 डबल क्रोशिया, फिर टू चेन, देन टू डबल क्रोशिया बनेगा।
ओके। ये ऐसे है ना, फिर हम इस गैप में, ये जो सेकंड गैप है ना, इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, देन 2 चेन बनाएंगे, देन 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे आपको हर एक गैप में आपको सेम ऐसी पैटर्न आपको बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, ओके, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इसी के साथ सेकंड में हमने बनाया, अब आपको इसे सभी गैप में आपको बनाना है। यहाँ तक मैं आ जाती हूँ तब आपको यहाँ पर बताती हूँ। ओके, ये कंप्लीट हो गया सर्कल, देन आप देख सकते हैं थोड़ा सा मुड़ रहा है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा पीछे का धागा। ओके, ये अब स्लिप स्टिच हम करेंगे, 1, 2, 3, ये थर्ड नंबर के जो हो जो चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ओके, ये देखिए, अब आपको इसको पैक करना है, तो हम दूसरा धागा यूज़ करेंगे इसके बाद, तो आपको इसको पैक करना है। आपको हर एक डबल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच करते जाना है। ओके, ये देखिए मैं जैसे पैक कर रही हूँ ना, ये सिंपल चेन की तरह दिखेगा और लगेगा भी नहीं कि ये अलग से धागा किसी और में हम फंसा रहे हैं। तो ये जाके स्लिप स्टिच बन गया, और इसको हम ऐसे थोड़ा सा निकाल के इसको कट कर देंगे। ओके, अब हम लेंगे दूसरा धागा, इस धागे को आपको ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसे पकड़ना है, देन ये वाले को भी इसी के साथ पकड़ना है। ये बिगिनर्स फ्रेंडली वीडियो है, तो मैं बिगिनर्स के लिए ही बताऊंगी, जो सीखे हुए हैं उन्हें वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर जो नहीं सीखा है या जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पहली बार बना रहे हैं, ये उनके लिए है। तो ये हमने ऐसे पकड़ा है। ओके, आपको हमेशा धागा अपनी छोटी उंगली में फंसा के फर्स्ट उंगली में आपको फंसाना है। इस पे एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आपको उसी होल में क्रोशिया डालना है जिस होल में ये धागा निकला था। ओके, सो हमने ऐसे चेन बना लिया, 3 चेन बनाएंगे, देन फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, ये डबल क्रोशिया आपको बनाने हैं 6, अभी हम 4 बनाएंगे, सॉरी 5 बनाएंगे, क्योंकि छठा नंबर का हमारा 3 चेन जिसे हम मेंशन करते हैं डबल क्रोशिया। ओके, आपको इसको 5 बनाना है, काउंट कर सकते हैं। एक चेन को हमने मेंशन किया डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। इसमें आपको एक चेन एक्स्ट्रा लेनी है, फिर 6 डबल क्रोशिया बनाना है,
डबल क्रोशिया का वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। मैं आई बटन पे इसे डाल दूंगी। ये भी 1, 2, 3, 4 और 5, 6 छः आपको इधर भी डबल क्रोशिया बनाना है, 6 और 1 चेन के बाद इधर भी आपको बनाना है ना। देन फिर हम इस जो 2 चेन है उसमें हम डालेंगे एक, 2, 3, 4, 5, 6 एक चेन, देन 6 डबल क्रोशिया, 2, 3, 4 इसमें अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं और बना सकते हैं। ओके, छः, ये हमने 6 बना लिए हैं। अब आपको ये पूरा सर्कल बनाने के बाद मैं मिलती हूँ। आखिरी में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे 3rd चेन में और चेन बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 11, 12, 13, 14 आपको इसमें 14 चेन लेनी है इसको टाइट करके। ओके, और यहाँ पूरे में हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके लिए आपको ये दोनों पेयर जो निकले हैं इन दोनों को ऐसे आपको ऐसे करना है ना, जोड़ना है स्लिप स्टिच से, इसको आपको पूरा जोड़ना है। ऐसे ये 2 ऊपर की चेन और ये 2 ऊपर की चेन, उसमें से धागा निकाल के और ये ऐसे।
और इसे यहाँ से अंदर तरफ डाल देंगे, जिससे कि ये छुप जाए। इस साइड के लिए आपको अलग से एक और धागा अटैच करना पड़ेगा। इसमें भी सेम प्रोसेस हम करेंगे, चारों तरफ से स्लिप स्टिच करते जाएंगे, जिससे कि ये बहुत ही खूबसूरती से बटरफ्लाई के शेप में दिखे। ये बन गई हमारी बटरफ्लाई। तो वीडियो कैसा लगा एंड आपको लर्निंग प्रोसेस कैसा लगा? अगर आप ये बटरफ्लाई आप अपने तरीके से बनाते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे DM और इसकी फ़ोटो क्लिक करके ज़रूर भेजिएगा। आपने जो बनाया है, आपके कलर्स जो आपने यूज़ किए हैं, तो आप ज़रूर से मुझे सेंड कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे भी अपने चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। एंड थैंक यू।